अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तनवीर और मैं नोबल मोबाइल अनबॉक्सिंग की तरफ से आपके लिए लेके आया है एक नया फ़ोन। और ये फ़ोन है सैमसंग का A33 5G। इससे पहले आपका जो फ़ोन देखा होगा सैमसंग का A32 था, लेकिन वो 4G था। अभी ये A33 5G फ़ोन है, या फिर इससे पहले सैमसंग का एक फ़ोन था जो A52 5G था। तो गाइज, ये A33 5G फ़ोन है, देखते हैं ये फ़ोन कैसा है। ये लुक आपको नज़र आ रही होगी, तो देख लीजिए कैसा फ़ोन है। बाकी हम आप इसको हम अनबॉक्स करके तो बताएंगे। ये प्रोडक्ट फॉर जो ऊपर मेंशन है फॉर पाकिस्तान है, तो इसकी जो प्राइस है वो 70,500 है। तो गाइस आपको बताते हैं कैसा फ़ोन है। पीछे तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, बहुत स्लिम बॉक्स है। स्लिम बॉक्स इस दफ़ा पहली दफ़ा है, देखते हैं इसमें क्या है। चलें फ़ोन को ओपन करते हैं। ये गाइस हमारा फोन ओपन हो रहा है। ये पीटी की तरफ से ये अंदर पेपर है, जाके चेक कर लें कि पीटी से वेरीफाइड डिवाइस है। और ये चीज़ आप चेक करके लिया करें जब भी फ़ोन लेना हो कि फ़ोन डिवाइस रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, और ये फ़ोन पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। चलिए गाइस, ये हमारा फ़ोन है, इसको हम ओपन करते हैं। ये कैसा फ़ोन है जी। तो गाइस ये फ़ोन हो गया हमारा ओपन। इसके पहले इसके लैपटॉप ओपन करते हैं। इसकी जो इसको देख के ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर कवर नहीं है सिलिकॉन। लें जी गाइस, इसमें तो सिलिकॉन कवर भी नहीं है। सैमसंग ने जितनी जगह इसकी प्राइस रखी है इसमें से कवर भी ख़त्म कर दिया है। इसके अंदर सिर्फ टाइप सी चार्जिंग केबल है, तो कवर आपको खुद से लेना पड़ेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या है। नहीं जी गाइस, ये और बड़ा धमाका हो गया। इसके अंदर चार्जिंग भी नहीं है और आपको चार्जर भी अलग से बाय करना पड़ेगा। यानी 71,000 का फ़ोन लेते हैं, उसके बाद आपको चार्जर भी 2,500-3,000 का लेना पड़ेगा। तो इसके बाद ये लुक है, बहुत प्यारी लुक है फ़ोन की वैसे तो। चलिए इस फ़ोन को हम ओपन करते हैं ताकि पता चले कैसा फ़ोन है। इतनी ज़्यादा प्राइस में समझ से बाहर है कि सैमसंग ने इसमें चार्जर भी नहीं रहता। बहुत ही प्यारी लुक है, ज़बरदस्त फ़ोन बनाया गया है। वैसे इसकी जो शेप है वो तकरीबन A32 से मिलती जुलती है, तो ज़बरदस्त फ़ोन है। चलें जी गाइस, इसको ऑन करते हैं और फिर आपको बताते हैं इसके फीचर्स। ये फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। सैमसंग गैलेक्सी A5G फ़ोन है। वैसे 5G मुझे लगता है पाकिस्तान में भी 1 से 2 साल नहीं आने वाली, लेकिन चले जो फ़ोन की लुक दी गई है बहुत प्यारी है। फ़ोन तो ज़बरदस्त है वैसे। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, इसके अलावा जो हैंड फ्री जैक है वो भी आपको टाइप सी में लेना पड़ेगा। उसके बाद ये स्पीकर है, फ्रंट जो कैमरा है बहुत ज़बरदस्त है। चले फ़ोन का सेटअप ऑन करते हैं। तो ये लें गाइस, फ़ोन हो गया। फ़ोन की ये फर्स्ट व्यू है। अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। जो कस्टमर सैमसंग के होते हैं उन्होंने तो ज़रूर सैमसंग के फ़ोन लेना है, इसलिए हम इसको अनबॉक्स करके आपको दिखा रहे हैं ताकि जिसने फ़ोन लेना है वो ज़रूर लें। अच्छा, तो फ़ोन की आगे अब आपको इसके फ़ीचर बता देते हैं कैसा फ़ोन है। पहले तो गाइस आपको इसका कैमरा दिखाते हैं। जो गाइस ये देखें इसका कैमरा है, कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेते हैं तो आपका आपको सही नज़र। कैमरा तो बहुत अच्छा है। कैमरा जो इसका मेन कैमरा है वो है, ये देखें जो इसका मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का। उसके बाद जो सात 8 मेगापिक्सल का कैमरा, और इसके बाद 2.2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और इसके साथ 2 मेगापिक्सल डिप सेंसर भी दिया गया है। फ्लैश लाइट है जो कि ज़बरदस्त चीज़ है। फ्लैश लाइट बड़ी होनी चाहिए ताकि रिज़ल्ट अच्छा हो। तो ये कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का चेक भी करवा देते हैं। ये देखें ज़बरदस्त। इसके बाद इसमें पोर्ट्रेट मोड भी बहुत अच्छा है, ये पोर्ट्रेट मोड भी आपको चेक करवा देते हैं। उसके बाद ये जो इसमें चेक कर लेते हैं और क्या फीचर है। नाइट मोड है, प्रो वर्जन है, बहुत ज़बरदस्त है। स्लो मोशन भी है इसमें, तो
बहुत अच्छी बात है। और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का। तो गाइज इसका जो सैमसंग में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इसके कलर्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, यानी इसके आप वीडियो अगर प्ले करते हैं तो वो दूसरे फ़ोन के इसमें बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगी, इसमें सारे कलर देखने को मिलेंगे और जो वीडियो का रिजल्ट होगा वो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। तो गाइस ये जो फ़ोन है ये -159 74 8.1 mm है, और इसका जो वेट है वो 186 ग्राम है। तो इसकी स्लॉट भी चेक कर लेते हैं कि डबल सिम में है या सिंगल सिम में है। तो ये चेक कर लेते हैं कि इसकी स्लॉट में सिम फीचर्स क्या हैं। तो गाइस इसमें जो या तो आप डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं, तो या पर आप वन सिम और वन मेमोरी कार्ड एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये भी आपको दिखा दी है। तो उसके अलावा इसका जो प्रोसेसर है गेमिंग प्रोसेसर है, वैसे प्रोसेसर तो अच्छा है, गेम आप पबजी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतना भी हैवी नहीं है। उसके बाद जो इसका एंड्रॉयड है वो इसका 12 है, एंड्रॉयड वर्जन 12 है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो इसमें जो कलर आए हैं वो 3 कलर हैं, ब्लैक, वाइट और ब्लू। तो उसके बाद जो इसमें और जो इसका साइज़ है वो है 6.4 इंचेस इसका साइज़ है, 1080x2400 पिक्सल है इसके। और जो इसका गरीला ग्लास है वो इस जो गरीला ग्लास में 5 दिया गया है, 90 हर्ट्स का इसका फ्रेश रेट है। और जो इसकी रैम है वो है 8 GB, 8 GB रैम में ये फ़ोन दिया गया है। और इसके बाद इसकी जो मेमोरी है वो 1 TB-8GB, यानी 128 GB इसकी रोम है। इसके अलावा मेमोरी कार्ड भी इसमें डाल सकते हैं, और 1 TB का मेमोरी कार्ड इसको सपोर्ट करता है, 1 TB का इसको मेमोरी कार्ड आप इसमें डाल सकते हैं, फिर आपकी दूसरी सिम नहीं चलेगी। और इसका जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का आपको बताया है, उसमें जो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, जो कि 1080x30 FPS पे वीडियो बना सकता है। और फ्रंट कैमरा जो इसका है ना वो 4K वीडियो 30 FPS पे भी वीडियो बना सकता है। उसके अलावा इसमें का एक आपको स्पीड चेक करवा दें एक दफ़ा, ये सॉफ्टवेयर, ये इसका 5 ईयर तक इसका सॉफ्टवेयर अपडेटिंग आ सकती है। इसके जो सेंसर हैं एसलेक्सी में के सेंसर है, फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, गुरिल्ला वर्चुअल प्रॉक्सी सेंसर लगे हुए हैं। स्पीकर फ़ोन इसका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, काफ़ी इसकी अच्छी आवाज़ होगी। उसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा फीचर दिए गए हैं गरीला ग्लास फलाई है, उसके बाद प्लास्टिक फ्रेम है, प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक बैक है जो वो 1P67 डस्ट वाटर रेजिस्टेंस है अप टू 1 मीटर, यानी आप उसको 1 मीटर तक 1 मीटर से नीचे 30 मिनट तक पानी में रख सकते हैं, इसमें वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। तो आप ये मत समझें कि इसको आप पानी में धो लेंगे, या फिर अक्सर आप टेस्ट करने के लिए इसको ऊपर पानी गिराते हैं तो फिर ये फ़ोन में पानी चला जाता है, आपका फ़ोन लॉस हो जाता है। जो इसकी बैटरी है वो 5000 mAh है, और इसका जो फास्ट चार्जर है वो 25 वाट है। और लेकिन आपको चार्जर अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने चार्जर बीच में नहीं दिया, ये हमने आपको शुरू में भी बताया है। इसकी प्राइस के आपसे देखा जाए तो इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, 71,500 कंपनी लॉन्च की है। चले 2-3 हज़ार आप डिस्काउंट करवा भी लेते हैं चार्जर के लिए, लेकिन चार्जर तो आपको खुद से लेना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि चार्ज इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस जो इसकी लुक है वो 832 से मिलती जुलती है, इसमें कुछ अपग्रेडिंग है, 5G दी गई है, लेकिन 5G भी पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर भी कंपनी ने इतना ज़्यादा रेट क्यों रखा? चलें जो यूज़र सैमसंग के है वो तो फ़ोन सैमसंग का ही लेंगे, तो फिर भी सोचने हैरानगी की बात यह है कि कंपनी ने इसका इतना ज़्यादा रेट रखा हुआ है। इसका जो जो CPU है वो ऑक्टा कोर है, 8076 लगा हुआ, GHZ एक्सपर्नी 1280 लगे हुए हैं। GPU इसका माली G68 है, जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले टच स्क्रीन दिया गया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये आपको देखने देखें, ये जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो इसके जो रंग हैं कलर्स हैं वो दूसरे फ़ोन की जिससे बहुत ही अपडेट हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। सैमसंग के जो गुरिल्ला ग्रास है वो भी अच्छा होता है, उसके बाद जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है वो किसी फ़ोन में भी नहीं आपको मिलेगी। इसी वजह से सैमसंग अभी तक मार्केट में अपना नाम बनाया हुआ है, यानी इस जैसे डिस्प्ले आपको किसी फ़ोन में दूसरे में नहीं मिलता, यहाँ तक आईफोन में भी नहीं। तो बाकी इसकी जो लुक है वो काफ़ी देर से चेंज नहीं कर रहे सैमसंग में, यही लुक बनाई जा रही है। तो उनको चाहिए वैसे ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो 32 सैमसंग का था A52 वो भी सेम था, इन्होंने थोड़ा बहुत इसको चेंज किया है।
तो 40 इसकी जो बैटरी है उसको थोड़ा अपडेट किया गया है, कैमरास बढ़ाए गए हैं, लेकिन 5G अपग्रेड किया कर रहे हैं अब ये फ़ोन में, लेकिन इन्होंने इसकी जो लुक है वो प्लास्टिक फ्रेम इसको चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स में इसके प्लास्टिक फ्रेम आ रहे हैं, तो इसको ही वो चला रहे हैं। जो इसकी रेजोल्यूशन है वो भी बहुत अच्छी है, तो इसका जो फ्रेश रेट है स्क्रीन का वो भी ठीक है, नो स्क्रीन है, बेजलिस को चेंज करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। जो उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा यही कुछ दिया गया है, और भी आपको कुछ बता देते हैं, इसकी जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपको कुछ बता देते हैं, इसकी अपडेटिंग होती रहेगी। अभी इसमें 12 एंड्रॉयड लॉन्च किया गया है, तो गाइज आपको सॉफ्टवेयर के मतलब भी बता देते हैं कि इसकी ये देखें, इसका जो A36 का डिज़ाइन है परफेक्ट है, ज़बरदस्त है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में एंड्रॉयड 4.2 है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। चलें गाइज आपकी अपनी मर्जी, अपने कौन सा फ़ोन लेना है, हमारा काम था आपको व्यू देना, तो हमने आपको फ़ोन दिखा दिया है। अब आपको फ़ोन कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हम नेक्स्ट फ़ोन के साथ आपके साथ फिर दोबारा आएंगे। ओके, खुदा हाफिज़।